डियर स्टूडेंट्स, आज हम कविता पढ़ेंगे रंगोली की मुस्कान और फसल, जो नागा अर्जुन के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 1911 में दरभंगा जिले के सतलका गांव में हुआ था, जो बिहार में है। इनकी मृत्यु जो क्या है 1988 में हुई थी। नागार्जुन जो क्या है एक प्रगतिवादी कवि है। इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण की थी। राजनीतिक सक्रियता के कारण इनको कई बार जेल में भी जाना पड़ा था। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के कारण बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लंबे समय तक घर से जो क्या है दूर रहते थे। इनकी कविताओं में जो क्या है प्रगतिवाद और छायावाद दोनों का मिश्रण जो क्या है दिखाई देता है। यह दंतुरित मुस्कान कविता नागार्जुन ने अपने छोटे बच्चे के छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान को देख करके लिखी है, क्योंकि कवि एक बार लंबे समय से जो क्या है घर से बाहर चले गए थे और उसने अपने छोटे बच्चे को कई दिनों से देखा नहीं था। जब वो घर आते हैं तो उनके आंगन में जो वो छोटा सा बच्चा खेल रहा होता है तो वो बच्चा जो क्या है उसको पहचान नहीं पाता है, और वो जब बच्चा उसको देख करके मुस्कुराता है तो नागार्जुन उसकी मुस्कान से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, और प्रभाव के कारण जो क्या उन्होंने यह दंतुरित मुस्कान जो क्या है लिख डाली। इस कविता में कवि अपने बच्चे के ऊपर अनेक प्रकार के उपमान लगाता है, उसको अनेक प्रकार की विशेषताएं देता हुआ कहता है कि मेरे बच्चे की मुस्कान ऐसी होती है कि और मृत व्यक्ति में भी जो क्या प्राण डाल देती है, उसके सोने से पत्थर से भी जल धारा बहने लग जाती है, शेफालिका जो क्या बबूल के वृक्ष से भी जो क्या शेफालिका के फूल जो क्या झड़ने लग जाते हैं। कविता में साथ साथ वो जो क्या बच्चे की माँ को भी धन्य मानता है, कहता है अगर आज तुम्हारी माँ तेरे और मेरे बीच में माध्यम न बनी होती तो हम दोनों का परिचित नहीं होता, इसलिए तुम्हारी माँ भी जो क्या है भाग्यवान हो, तुम भी भाग्यवान हो, तुम्हारी माँ ने जो क्या अपनी उंगलियों से तुम्हारे को मधु परक्त करवाया है, यानी दूध दही जल और शहद दही से मिला करके जो क्या है जो पदार्थ बनाया जाता है उसको जो क्या है पंचामृत या मधु परक बोल रहे हैं कवि इसमें, तो उसका वर्णन किया और अपने बच्चे की विशेषताओं का जो क्या है इस कविता में वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं देखिए। तुम हरी है गंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली दूसर तुम्हारे ये गात छोड़ कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिंगल कर जल बन गया होगा कठिन पाठ। कभी क्या कहता है तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान का मतलब छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान। मृतक में मरे हुए डाल देगी जान यानी प्राण का संचार कर देगी। धूली दूसर धूल से भरा हुआ गात मीन शरीर छोड़ दिया है तालाब सरोवर झोपड़ी झोपड़ी जल जात कमल का फूल, परस पाकर तुम्हारा स्पर्श करने मात्र से ही प्राण मीन शरीर यहाँ पर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन कठोर पाषाण मीन पत्थर। कवि अपने बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कहता है कि तुम्हारी छोटे छोटे दांतों वाली यह मुस्कान इतनी सुंदर लग रही है कि मानो मरे हुए व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर देगी। तुम्हारा धूल से भरा हुआ यह शरीर इतना सुंदर लग रहा है कि तालाब कमल जो क्या है तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी के अंदर आकर खिल गया होगा। तुम्हारे छूने मात्र से ही कठोर पत्थर भी पिंघल करके जल बन जाता है, यानी एक कठोर पत्थर से भी पानी की जल धारा बहने लगती है। छू गया तुमसे ही झरने लग पड़े शेफालिका के बांस था कि बबूल, तुम मुझे नहीं पाए पहचान देखते रहोगे एनिमेश। एनिमेश का मतलब होता एक तक लगातार देखना, थक गए हो आंख लू मैं फिर आंख लू का फिर का मतलब है कि तुम तो मुझे देखते ही रहोगे इसलिए मुझे ही अब दूसरी तरफ अपनी गर्दन को घुमाना पड़ेगा। देखिए कवि क्या कहता है कि तुम्हारे को छूने मात्र से ही अगर बांस और बबूल का पेड़ हो तो भी उससे शेफालिका के फूल झड़ने लग जाते हैं। कवि ने यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की जो क्या है बड़ी बखूबी से जो क्या है भूमिका निभाई है। तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो यानी तुम्हारा और मेरा परिचय अभी नहीं हुआ है इसलिए तुम मुझे एक तक लगातार देख रहे हो। तुम अगर मुझे इसे एक तक देखते रहोगे तो जो क्या है थक जाओगे इसलिए मैं ही मेरी गर्दन को जो क्या है दूसरी तरफ घुमा लूंगा। क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार। परिचित माने एक दूसरे के बारे में जानना। पहली बार प्रथम बार में यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती आज
मैंने सत्ता दी, मैंने जाता, मैंने पाता जाना, कभी क्या कहता है तुम्हारा परिचय जो क्या है प्रथम बार में ही नहीं हुआ है। तुम्हारी माँ अगर तुम्हारे और मेरे बीच में माध्यम नहीं बनती या एक दूसरे को परिचित करवाने में नहीं होती तो न तुम्हारे को देख सकता था, न ही तुम्हारे बारे में मैं कुछ जान सकता था। तुम्हारी ये छोटी छोटी दांतों वाली मुस्कान जो क्या है बड़ी ही सुंदर है। तुम भी धन्य धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य, यानी तुम भी भाग्यवान हो, तुम्हारी माँ भी भाग्यवान है। चीर प्रवासी, चेमी लंबे समय से, प्रवासी बाहर रहने वाला, मैं इतर, इतर में दूसरा, मैं अन्य, और मैं जो क्या यहाँ पर अपरिचित हूँ, अतिथि हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, संपर्क में मेल जो उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, मधुपर्क में पंचामृत जो दूध दही गुड़ और शहद से जो क्या है मिला करके बनाया जाता है। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मार का मतलब तिरछी नजर से होती जब आंखें चार, यानी तुम्हारी नजरें और मेरी आंखें चार का मतलब तुम्हारी नजरें और मेरी नजरें आपस में मिलती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी ही छविमान, बड़ी छविमान का मतलब बड़ी ही सुंदर लगती है। कवि क्या कहता है कि तुम्हारी माँ भी धन्यवान है, धनवान है, और मैं भी, तुम्हारी माँ भी धन्य हो, तुम भी धन्य हो। मैं बहुत लंबे समय से रहने वाला यहाँ पर प्रवासी हूँ, यानी बाहर से रह करके आई हूँ, मैं यहाँ दूसरा हूँ, मेरी तुम्हारे को कोई भी जानकारी नहीं है। तुम्हारा इस अतिथि से अब से पहले संपर्क में कोई भी मेल जोल नहीं रहा है। तुम्हारी माँ ने जो क्या है पंचामृत का सेवन करवा कर सेवन करके तुम्हारा पालन पोषण किया है। जब तुम्हारी माँ तुम्हारे पंच को पंचामृत खिलाती है तो तुम तिरछी नजर से जो क्या मुझे देखते हो, जिससे तुम्हारी और मेरी नजरें मिल जाती हैं, और तब तुम छोटे छोटे दांतों से हंसते हो, तो मुझे बड़ा ही सुंदर लगता है, क्योंकि तुम्हारी छोटे छोटे दांतों वाली यह सुंदर मुस्कान जो क्या है बहुत ही सुंदर लगती है। फसल, अब फसल के बारे में कवि क्या कहता है कि फसल कविता जो क्या है एक किसान के द्वारा जो क्या है फसल का निर्माण किया जाता है, लेकिन फसल का निर्माण करने में केवल एक किसान का योगदान नहीं होता। फसल को तैयार करने के लिए नदियों का पानी, सूर्य की किरणें और मिट्टी और करोड़ों किसानों के हाथों का परिश्रम का परिणाम होता है। अगर जब ये सभी चीजें एक फसल को मिलेगी तभी वो एक फसल जो क्या है तैयार होती है। क्या क्या चीजें चाहिए उसको, प्रकृति का योगदान, सूर्य की किरणें, नदियों का पानी, अच्छी मिट्टी, ये सभी चीजें जब होगी तभी एक फसल जो क्या है बन सकेगी। तो कवि क्या कहता है फसल न तो एक दो किसान की मेहनत का परिणाम है, ना ही एक दो नदियों का है, बल्कि हजारों नदियों और लाखों करोड़ों किसानों की जो क्या है मेहनत का परिणाम है। और दूसरा जो क्या है सूरज की किरणें जो क्या है इसके रूप को परिवर्तित करती हैं, वो इसको हरा भरा करती हैं, इसको आगे बढ़ाती हैं, तभी जाकर के एक फसल जो क्या है तैयार होती है। देखिए एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक के नहीं दो के नहीं हजारों हजारों खेतों की मिट्टी के गुणधर्म, गुणधर्म में उसका प्रभाव। कवि क्या कहता है कि फसल जो क्या है न तो एक ही व्यक्ति से बनती है, न ही एक दो नदियों से, बल्कि ढेर सारी अत्यधिक नदियों के पानी का जादू ही चमत्कार है। एक के नहीं दो के नहीं लाख 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 लाखों लाखों कोटि करोड़ों सपर्स मीन सोने की गरिमा मीन गर्व है या उसका प्रभाव है। कवि क्या कहता है कि फसल न तो एक या दो नदी के पानी से होता है, बल्कि बहुत सारी नदियों के पानी के चमत्कार से फसल बनती है, फिर उसके बाद एक या दो व्यक्तियों के हाथों से नहीं बल्कि लाखों करोड़ों के किसानों के हाथों के मेहनत का ये परिणाम है। यह खेत एक या दो खेत की मिट्टी का नहीं बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी के गुणों का प्रभाव जो क्या इस फसल में देखने को मिलता है। अब कवि प्रश्न पूछता है फसल क्या है, अब उत्तर देता और तो कुछ नहीं वह नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदरी मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सीमता व संकोच है हवा की चिंता। कवि क्या कहता है फसल क्या है, फसल के रूप में पूछता वह कुछ नहीं है बल्कि वह नदियों के पानी का चमत्कार है। अगर नदियों का पानी मिलेगा तभी वो आगे बढ़ेगी, लाखों करोड़ों किसानों की मेहनत का जो क्या है उसके ऊपर महत्व है, भूरी काली और संदरी चंदन जैसी मिट्टी के गुणों का जो क्या है उसके ऊपर प्रभाव है, रूपांतर में बदलना, उसके आकार को बदलने में
सूरज की किरणों का प्रभाव है, और जब वो अपने स्थान पर कभी विस्तृत होती है तो कभी सिकुड़ती है, तो हवा जो क्या उसके सिकुड़ने में और उसको विस्तृत करने में उसको महत्वपूर्ण योगदान देती है।